तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंदौर से वीडियो आया है मेरे पास। ऋषि जी ने सेंड किया है उनके बाइक का। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन देख सकते हो, एक्सप्लेट DS6 का जो इंजन गार्ड है वो अपने SP में फिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्लैंप है ये पूरे फिट किए हैं यहाँ पे। इसको आप दोनों साइड, ये जो हॉर्न की पट्टी होती है वहाँ से आप फिट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उन्होंने दिखाया है, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो देखने के लिए अपलोड किया है। तो देखिए, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये इंजन कार्ड जो है होंडा के शोरूम से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये फिटिंग हो रहा है इसका। ये देखिए इन्होंने SP125 जो नाम है इस पर स्टिकर लगाया है। ये रेडियम स्टोर पर जाके आप बनवा सकते हो स्टिकर। तो यहाँ पे इसको फिट चालू है इसका फिटिंग। देखिए इसका लुक ऐसा है। तो यहाँ पे जो लेग गार्ड लगता है उसके नीचे आप ये फिट कर सकते हो। और पीछे जो है ये अपने फुट स्ट्रेट गियर और ब्रेक के नीचे आप ये फुट स्ट्रेट के नीचे इसकी एक हॉर्न की पट्टी लेके आप उधर फिट कर सकते हो, उससे फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेग गार्ड के साथ आगे एक फिट किया जाता है सेंटर वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर ये फिट किया है आगे सेंटर पे लेग गार्ड के साथ, और ये पीछे फुट स्ट्रेट के नीचे जो है उधर हॉर्न की पट्टी लगा के इसको रियर साइड फिट किया है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये देखिए। और आपको इंजन कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे सिटी में जाके आपके नज़दीक के किसी भी होंडा शोरूम से ऑर्डर कर सकते हो। ये देखिए नीचे से उसका पोजीशन, यहाँ पे हॉर्न की पट्टी का यूज़ किया है, और आगे भी देखिए नीचे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। तो आप भी अपने गाड़ी का रिव्यू देना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं कर दूँगा।